Assalamu alaikum, welcome to my channel Pharma Hub by Dr. Nida. So before starting my very first lecture, I would like to first introduce myself. Well, I'm Nida Khan, currently a medical student, and basically my main motive is to ease out all the medical students out there with my lectures, because I've gone through this phase and I know how hard it is to completely rely on books. So I'm going to make this journey easy for you all. Well guys, wish me best of luck. So today my very first lecture is on diabetes mellitus, and this is the overview. So today I'm going to tell you about diabetes mellitus, its types, its classification, pathophysiology, etiology, its complications, risk factors, diagnosis, its a detailed management and prevention. So I'm going to tell you everything about diabetes mellitus in this video. Okay, so ek general sa overview le lete hain ki diabetes hoti kya. So what is diabetes? When a person has high sugar level in his blood, which may result in increased thirst and increased urination, then this condition is known as diabetes. अच्छा, now coming towards the types of diabetes. Diabetes mainly जो है दो types की होती है, diabetes mellitus and diabetes insipidus. इसके अलावा जो diabetes की बाकी types हैं वो इतनी common नहीं है, मतलब अगर out of 2-4% लोगों को होती है, उसकी इतनी incidence नहीं है, and अगर हो भी जाए तो वो cure हो जाती है. थी वो टेम्प्ररी तौर पर होती है एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एंड करेक्ट मेडिसिन आप ठीक हो जाते हो. पर डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिडस जो वो लाइफ टाइम रहती है और आपको लाइफ टाइम जो है वो मेडिकेशन पर रहना पड़ता है. ओके, तो अब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं. सो डायबिटीज इंसिपिडस, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो डायबिटीज इंसिपिडस होती क्या? डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस सुनने में जो है वो सेम लगते हैं, बट ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है? जब आपकी बॉडी जो फ्लूइड को बैलेंस नहीं कर पाती, तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है. एंड आपकी बॉडी क्यों फ्लूइड को बैलेंस नहीं कर पाती है? इसकी दो रीज़न्स होती हैं. ठीक है, दो रीज़न्स होती हैं. एक तो क्या है, या तो आपकी किडनी में कोई डिफेक्ट है या आपकी ब्रेन में. ठीक है, मैं भी जनरल बता रही हूँ, फिर हम इसको यहाँ से रीड कर लेंगे कि ये बात एज वी ऑल नो कि जो किडनी होती है हमारे बॉडी फ्लूइड्स को जो रेगुलेट करती है, बैलेंस रखती है. ठीक है, हमारी बॉडी में. सो अगर किडनी में कोई डिफेक्ट हो जाए, उसके ट्यूब्यूल्स वगैरह में, तो जो बॉडी का फ्लूइड है वो बैलेंस नहीं रह पाता. ओके, तो इम्बैलेंस बॉडी फ्लूइड रहते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है. ठीक है, एक ही रीज़न है. सेकेंडली, क्रेनियल डैमेज की वजह से भी जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है. और क्रेनियल डैमेज से किस तरह, जो हमारा डायरेटिक हार्मोन है ADH, वो क्या करता है, वो हमारी डायरेसिस कराता है. एंड ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड सॉरी हाइपोथैलेमस में बनता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ पर जाके स्टोर होता है. तो अगर ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस, इनमें से किसी पार्ट में भी जो इंजरी हो जाए, तो ये वाला हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन नहीं होती है, स्टोर नहीं होता. सो इन द एंड क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो बैलेंस नहीं रह पाते, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इन द एंड डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है. ठीक, एंड क्रेनियल जो है वो डैमेज किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, ड्यू टू एनी ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर और एनी इंसिडेंट जिसमें आपको जो है वो ब्रेन डैमेज हो जाए. ओके, सो लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड कॉन्स्टेंट इंक्रीज थर्स्ट. ठीक है, ये जनरल ये चीज़ डायबिटीज मेलाइटिस में भी होती है, इंसिपिडस में भी होती है, कि आपको इंक्रीज यूरिनेशन होती है. ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है. एंड जाहिर सी बात है, कॉन्स्टेंट यूरिनेशन हो रही तो उसकी वजह से जो है वो परसिस्टेंट कॉन्स्टेंट थर्स्ट रहती. ओके, सो क्रेनियल डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ डायरेटिक हार्मोन ADH ड्यू टू डैमेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस अफेक्टिंग इट्स प्रोडक्शन.
ठीक एंड नेफ्रोजेनिक में है कि रीनल ट्यूबुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यू टू इनहेरिटेड और सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। मैंने ये पहले बात बता दी कि ट्यूब्यूल्स में अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, या कोई सिवियर किडनी डिजीज़ हो, ठीक है, सिवियर किडनी डिजीज होगी तो किडनी अपना फंक्शन नहीं करेगी एंड इन द एंड से वो डायबिटीज इंसिपिडस हो। ओके, सो हमारी नेक्स्ट टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल पीरियड। ओके, एंड इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है, 2-5% है, एंड अगर ये हो भी जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो भी जाए तो बाद में ये क्योर हो जाता है, ठीक। लेकिन इसके लिए जो है वो प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो लेनी पड़ती है एंड केयरफुल मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत होती है। सो लेट्स रीड फ्रॉम हियर। रिजेंबल्स टाइप 2 डायबिटीज़ इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रिजेंबल्स टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह ही होती है, बस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि इसकी कॉजेज़ वही होती हैं, मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज़ की होती हैं, कि या तो जो है वो इंसुलिन की इतनी सिक्रेशन ही नहीं हो रही कि इंसुलिन जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को मसल्स में भेजे, या फिर जो है वो रिसेप्टर्स जो है एग्जॉस्ट हुए हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। ओके, इट अकर्स इन अबाउट 2-5% ऑफ ऑल द प्रेगनेंसीज एंड मे इम्प्रूव और डिसअपीयर आफ्टर द डिलीवरी। वही बात जो मैंने अभी कही है कि 2-5% इसका इंसिडेंस है एंड जो है वो क्योर भी हो जाती है मोस्टली प्रेगनेंसीज के बाद, एंड कभी कभार बहुत कम ऐसा होता है कि रह भी जाती है अगर प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह ना ली जाए। ओके, गेस्टेशनल डायबिटीज इज़ फुली ट्रीटेबल बट रिक्वायर्स केयरफुल मेडिकल सुपरविजन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। वही बात जो मैंने अभी कही है, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, इट्स अदर टाइप्स, ठीक है। अदर टाइप्स फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे। प्री डायबिटीज़ जो है एक तरह से एक वार्निंग साइन है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड शुगर इतने नहीं होते कि आपको डायबिटीज़ हो जाए, बट इतने होते कि नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है और जो है वो अवॉइड करने पड़ते हैं कार्ब्स वगैरह को, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को, ताकि जो है ये प्रोग्रेस ना हो जाए डायबिटीज़ में। ओके, प्री डायबिटीज अकर्स व्हेन अ पर्सन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ओके, सेकेंडली जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से भी जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है। वो कैसे, जब सेल्स में म्यूटेशन हो जाएगी बीटा सेल्स में, ठीक है, तो वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपर। जब अपना फंक्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, एंड जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इन द एंड जो है वो डायबिटीज़ हो ही जाएगा, ठीक है। अदर टाइप्स में आगे फर्दर आ जाती हैं। अच्छा, अभी तक तो हम जो है ये जनरल बात कर रहे थे अदर टाइप्स में, अब आगे जो ये दो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स पे के ये तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं, तीनों ड्रग्स रिलेटेड हैं, ठीक है। एक उन्होंने ये बात की भी कि बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन इतनी नहीं होती, आगे जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता अपना फंक्शन, ठीक है। एक तो ये रीज़न है, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो ऐसे हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करती हैं जो इंसुलिन के साथ एक तरह से कंपटीशन लगा लेती हैं, ठीक है, एंड इंसुलिन की ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होने देती, ताकि जो है वो इंसुलिन भाई जाके रिसेप्टर पर अपना जाके एक्शन शो करें, ठीक। एंड जो है कुछ ऐसे टॉक्सिन्स वगैरह भी जो होते हैं, एंड वो टॉक्सिन्स कहाँ से आ सकते हैं, ये ड्रग्स वगैरह से, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं उनसे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो हमारे बीटा सेल्स को जो इफेक्ट करके इन द एंड इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होने देते हैं। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है डायबिटीज़ मेलिटस की। सो डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़। आप अगर हॉस्पिटल चले जाएँ तो आपको ईजिली डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट मिल जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर इसकी रीडिंग कर लेते हैं, जनरल सा जो है वो कंसेप्ट जो है वो डेवलप कर लेते हैं कि एक्चुअली डायबिटीज़ मेलिटस होती क्या। ओके, इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया एंड डिस्टर्बेंसेज इन द कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दिस मे रिजल्ट फ्रॉम द डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ, ठीक है। यही बात उन्होंने की हुई है कि जो है वो हाई ब्लड लेवल
सॉरी ब्लड में हाई शुगर लेवल हो जाते हैं, क्यों, किस वजह से? भाई दो रीजंस हैं, ठीक है, या तो जो है वो इंसुलिन की इतनी ज़्यादा सिक्रेशन इन यूरिन कि वो अपना काम करे, कि ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर जाके, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको लेकर जाके मसल्स और टिश्यूज़ में स्टोर करे, ताकि लेटर ऑन सेलुलर फंक्शन में वो ग्लूकोज जो वो यूज़ हो सके, ठीक है, या फिर जो है वो रिसेप्टर्स ही इतने एग्जॉस्ट हुए हैं कि वो अपना काम इंसुलिन उस पर आके बाइंड ही नहीं कर पा रहे और अपना एक्शन शो करें. ओके, तो या तो इंसुलिन की इतनी प्रोडक्शन नहीं है, या फिर बीटा रिसेप्टर्स इतने एग्जॉस्ट हुए हैं कि वो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने दे रहे, ठीक है. इन दो रीजन्स की वजह से जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस होता है. ओके, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था. ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी क्लासिफिकेशन की, ठीक. अच्छा, अब डायबिटीज़ मेलिटस जो फर्दर टू टाइप्स के, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है. टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट, वेयर एज टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. अच्छा, अब भाई ऐसा क्यों है? टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है वो कोई मेडिकेशन काम नहीं करती, आप डायरेक्ट भाई इंसुलिन पर लग जाते हो. वेयरएज इन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके आप इंसुलिन पे जाते हो, मतलब आपको पहले जो है प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो देते हैं, वो आप फॉलो करते हो, मतलब इंसुलिन इज़ द वेरी लास्ट स्टेप आप उसमें, तब जाके इन द एंड जाके आप इंसुलिन पे लगते हो, इसलिए इट इज़ अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. वेयरएज टाइप 1 इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है. आपको मस्ट इंसुलिन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, अपना शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, ठीक. ओके, टाइप 1 डायबिटीज़, यहाँ से हम जनरल रीड कर लेते हैं. करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स इन द पैंक्रियाज, लीडिंग टू द इंसफिशियंट, सॉरी, इंसुलिन डेफिशिएंसी. ओके, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, इसका मैं जनरली बताती हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, ये बचपन से होती है, ये बर्थ ड्यूरिंग बर्थ. ओके, टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली इसमें होता है क्या है कि बीटा सेल्स ही आपके शुरू से प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड जब आपके बीटा सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन कहाँ से होगी, एंड जब आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इन दी एंड यू आर लेफ्ट विद डायबिटीज़. ओके, बाकी जो हमने टाइप सॉरी डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस पड़े, उसमें एटलीस्ट इंसुलिन की प्रोडक्शन तो हो रही थी ना, बेशक कम हो रही थी. इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही बिकॉज बीटा सेल्स ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो इसलिए हम एक्सटर्नली जो है फिर वो इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ज़रूरी है टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, ठीक. करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स इन द पैंक्रियाज, लीडिंग टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक. ट्रेडिशनली टर्म्ड एज जुबिनाइल डायबिटीज़ बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द डायबिटीज़ किसीज वर इन चिल्ड्रन, ठीक है. जुबिनाइल मीन्स चिल्ड्रन, तो इस मेनली ये बच्चों में होती है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज जुबिनाइल डायबिटीज़, ठीक. सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि ये भी डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर आता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज़, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़, ठीक है. डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर फर्दर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन, और ये आजकल हर दूसरे बंदे को हुआ हुआ होता है, ठीक. और इसकी मेन रीज़न क्या है कि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही होती कि जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकें. ओके, जो है वो ओके, टाइप 2 डायबिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक. एंड ये डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर आता है, ठीक. एंड इट इज़ द मोस्ट 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 कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़, ठीक है. ये आजकल छोटे बड़े हर किसी को हुआ हुआ होता है, ठीक. और इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न दो ही है, जो कि मैंने अभी पीछे बताया है, कि या तो इंसुलिन की इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही कि वो जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके, ठीक. या तो ये रीज़न है, या तो फिर रिसेप्टर्स ही एग्जॉस्ट हुए हैं कि इंसुलिन के पर जाके अपना एक्शन शो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन आगे से वो काम हो ही नहीं पा रहा, ठीक है. तो इन दोनों रीजन्स की वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ठीक. इधर ये चीज़ लिखी हुई है, इधर से जनरल रीड कर लेते हैं. करेक्टराइज्ड बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ दैट अफेक्ट्स द पीपल इन एडल्टहुड, ठीक. इन द अर्ली स्टेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ द प्रिडोमिनेंट एब्नॉर्मलिटी इज रिड्यूस्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी,
वे बात जो मैंने अभी कही है. एट दिस स्टेज हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी रिवर्स बाई वराइटी ऑफ मेजर्स एंड मेडिकेशन डेट इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी और रिड्यूस द ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर. ठीक है, तो हम मेडिकेशंस के थ्रू जो है स्टार्ट में इस टाइप टू डायबिटीज़ को जो है वो ट्रीट करते हैं. ओके, अब इसके हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं. तो नॉर्मली होता है क्या है? ठीक, हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स वगैरह होती हैं. ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टमक में जाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब दे आर ब्रोकन डाउन इंटू ग्लूकोज, ठीक है, इन आवर गट. ठीक, वो हमारे गट में जाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाते हैं. ठीक, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में चली जाती है. ठीक, ब्लड में उसका अमाउंट, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में ज़्यादा हो गया तो भाई पैंक्रियाज को खबर पहुँचती है, बल्कि पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को खबर पहुंचती है कि भाई सॉरी शुगर लेवल जो ब्लड में है, ग्लूकोज लेवल वो बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ करो. तो पैंक्रियाज क्या करता है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज वो इंसुलिन की सिक्रीशन करने लग जाते हैं. ठीक है, इंसुलिन की सिक्रीशन करेगा, इंसुलिन अपना काम करेगा, इंसुलिन ब्लड में जितने भी एक्सेस ऑफ शुगर होगी उसको जो है वो लेकर जाके टू द मसल्स एंड टिश्यूज लेकर जाके स्टोर कर देगा ताकि वो लेटर सेलुलर फंक्शंस में जो है यूज़ हो सके. ठीक, बट इन द केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप टू डायबिटीज़ इसमें क्या होता है कि वही सब कुछ हो रहा है. ठीक है, हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए हैं, वो ब्लड में चले गए हैं. ठीक, ब्लड का शुगर लेवल जो है ज़्यादा हो गया. अब यहाँ पर जो है पैंक्रियाज को खबर पहुँची कि इस तरह ज़्यादा हो गया, ठीक है, ब्लड का शुगर लेवल, लेकिन उसने या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ही इतनी कम की, इंसुलिन इतनी कम इंसुलिन भेजी है कि इंसुलिन अपना जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा. ठीक है, वो एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको नहीं पहुंचा पा रहा, ठीक है, इंसुलिन कम, या फिर उसने तो सही भेजी है अपनी इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन अपना काम भी कर रहा है लेकिन आगे से रिसेप्टर्स एग्जॉस्ट हुए हैं जो कि काम ही नहीं कर पा रहे. ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल ही ज़्यादा है, कम ही नहीं हो रहा. ओके, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिखी हुई है, तो वही बात है जो कि मैंने कहानी में सुना थी.